है केमास न्यूज। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। YouTube पर देखने के लिए टाइप करें केमास न्यूज। आइए देखते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले में एक बार फिर अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त। आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र के बनगांव बाजार में स्थापित मूर्ति बिना किसी भय के क्षतिग्रस्त कर दी गई। पहले भी कई बार मनबड़ों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया था। थाना प्रभारी निजामाबाद को कुछ लोगों के नाम पर संकेत भी किया गया था, लेकिन उदासीन क्षेत्रीय प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठाया। हालांकि मौके पर तत्काल क्षतिग्रस्त मूर्ति की मरम्मत करवाकर मामले को शांत कर दिया गया, लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या आरोपियों को ज्ञात कर पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी। निजामाबाद से हमारे संवाददाता जय हिंद आर्या की रिपोर्ट। जैसा कि हम लोग, मुझे फोन आया कि बाबा साहब की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है जी। और उसके तुरंत 10 मिनट बाद आया हूँ तो देखा हूँ कि बाबा साहब की उंगली है जी, किसी ने तोड़ दिया है। तो अभी एक घंटा हो गया, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने अब उंगली सही करवाया है। लेकिन ये अब की बार पांचवी छठवीं बार हो चुका है जी, क्योंकि पिछली बार हम लोग यहाँ मौजूद थे, सीओ साहब खुद आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर लाइट लग जाएगी और कैमरा लगा दिया जाएगा जी। तो लाइट तो फिलहाल 10 दिन में लग गई, लेकिन कैमरा का भी कुछ पता नहीं चला। और शायद कैमरा लग जाता तो अब तक ये जो है दूसरी घटना ना होती। तो कहीं ना कहीं से मान लीजिए हमारे समाज में जो लोगों का विचार है बाबा साहब के प्रति वो नहीं बदल रहा है, और जो हमारे सीओ साहब ने कहा है वो अपनी कहीं भी बातों पर भी नहीं अमल किए हैं, इसका कहीं ना कहीं हमें अफसोस है। आप लोगों की क्या मांग है, क्या कर मांग यही है कि जैसा सीओ साहब ने कहा कि कैमरा लग जाएगा तो अभी तक तो लगा नहीं, तो हम चाहते जो उन्होंने बात कही थी वो अपने बातों पर अब जाकर अमल करें, क्योंकि ये दूसरी घटना हो गई। उनके कहने के अनुसार एक साल भी नहीं हुआ है, दूसरी घटना हो गई। तो जो उन्होंने कहा था अब से अब कम से कम कल परसों में आन फान में उसको लगवाया जाए कैमरा को, ताकि ये दोबारा इस तरह सा कोई बड़ा बखेड़ा ना हो और किसी मानस में कि तनाव हो या कोई किसी में झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, क्योंकि ऐसे हालात में कहीं ना कुछ गलत हो जाता है। तो मैं गुजारिश करूंगा प्रशासन से और तमाम लोगों से, सीओ साहब कल यहाँ पर आए, मौजूदा हालत देखें और 2-3 दिन के अंदर में इस पे जो कैमरा लगाने की बात उन्होंने कही थी उसको पूरा करें। एसओ साहब क्या कहें? एसओ साहब ने भी कहा कि हम आपकी बात से सहमत हैं, सीओ साहब तक के बात पहुँचाएंगे। लेकिन हम तो पिछली बार खुद थे, सीओ साहब तो खुद कहे थे कि हरचंद जी ऐसा है कि कैमरा लग जाएगा 1 हफ्ता 15 दिन में, लेकिन कैमरा तो नहीं लगा, लाइट तो लग गई लेकिन कैमरा नहीं लगा। थैंक यू।